presenting a speech on the ongoing burning issues that takes place on day-to-day life. The characters as follows: Priti as father, Joshan as mother, Hina as relative, Habiba as Noor, Parveen as receptionist, Atiya as Ali, Noor Hafiza as Salim, Nikita as Sajida, discuss about the ongoing current issues, and they also discuss about your son's position. देश का तो यही हाल है, वो सब छोड़िए, अब ये बताइए कि आली के एडमिशन का क्या हुआ? इसमें सोचना क्या है? अली अभी तो 10 कर रहा है, उसके बाद सोचा है कि 12 के बाद उसका MBBS में एडमिशन करवा देंगे। अगर गवर्नमेंट में नहीं मिला तो प्राइवेट में तो मिल ही जाएगा। लेकिन आपने क्या उसको पूछा, उसको क्या करना है? तो बड़ा ही शौक था इंजीनियरिंग करने का। घर पे बैठ के तुमको बाहर का क्या पता है? हाँ भाई जी, वैसे भी तो मेडिकल में बहुत स्कोप है, लेकिन अब ये बताए नूर क्या कर रही है? नूर को तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिला है और उसने एंट्रेंस भी क्लियर किया है। तुम चुप रहो, उसकी अभी पढ़ने लिखने की क्या उम्र है? अभी तो बस 2 दिन बाद उसकी शादी भी करवानी है, उसको नहीं कराएंगे, बस नॉर्मल ग्रेजुएशन करने से भी हो जाएगा उसका। हाँ वो भी तो ठीक है, इतना पढ़ाई करके क्या है, लोग लकी लोग हैं, शादी ही करनी है, घर में किसकी घर में काम भी करनी है। छोड़ो मैं चलती हूँ। After Noor's entrance examination, she passed her examination, but she could not convince her father, as her father thinks that girls are born only to do household chores. बेटी तुम इतना पढ़ लिख कर करोगी भी क्या, बाद में तो शादी ही करना है। आप प्लीज एक बार उसकी बात सुन तो लीजिए। मेरा फैसला ही आखिरी फैसला है। So that she could give her some ideas to convince her father. सलीम,
तो बाजी भी नहीं रही, और मैं अब पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा। Depression or inferiority complex should not take any dangerous steps. Thank you.